हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम माइन एंड डोरूपुर साइड। और ये मॉर्निंग में देखो, डोरू सो रहा था बहुत पीसफुली बिकॉज धूप निकल आई थी। एंड मॉर्निंग में धूप आते ही डोरू सबसे पहले अपना सन बाथ लेता है और उसके बाद मैंने फटाफट सारे घर की सफाई करी और सब कुछ सेट किया बिकॉज मुझे नहाकर फिर डोरू को घूमी घूमी भी करानी थी और ऑलरेडी मैं लेट थी। और मैंने सब कुछ सेट किया, थोड़ी बहुत ठंड भी थी बिकॉज़ मॉर्निंग और रात की ठंड ही होती है। और मैंने जब सेट किया उसके बाद ये सब ये तय लगा रही थी ब्लैंकेट वगैरह, बट डोरू ने देखो सब कुछ खोल डाला। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जितना मर्जी सेट कर लूँ इसको पसंद ही सारा बिखरा हुआ है। अरे देखो, ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर से कुछ ढूंढ रहा है, हालांकि ढूंढ कुछ नहीं रहा है, इसको बस खोदना था, बस खोदे जा रहा था। अरे देखो, जैसे मैंने इसको आवाज़ लगाई तो इसका मुंडी एकदम से बाहर आ गई। मैंने इसको बोला चलो लेट्स गो फॉर घूमी घूमी, और इसका मूड देखो भाई, पूरे दिन मुझे इसको देखते रहना पड़ता है, डोरू इधर डोरू इधर, ये देखो। और मैं इसे खींचे जा रही हूँ और ये मान नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं मान रहा। उसके बाद मेरे को उसको घूमी घूमी कराने के लिए लेके जाना था, इसको फटाफट रेडी किया और ये देखो बाहर का नज़ारा। और ये डोरू को कपड़े पहना कर लेकर आई थी क्योंकि शाम के टाइम ठंड हो जाती है, हालांकि मुझे तो इतनी नहीं फील होती है, पैरों में ज़रूर ठंड लगती है बट इतना नहीं। लेकिन हाँ, मॉर्निंग में जो चिल्ड वाली ठंड होती है ना, वो तो बस पूछो मत। और डोरू को फ्रेश कराने के लिए लेकर आई थी मैं, बट डोरू को यहाँ पर और भी ज़्यादा डॉग्स दिख रहे थे तो वो उन्हीं पर नज़र रखे थे। और यहाँ पर ये देखो, मैं कॉफ़ी बना रही थी। यहाँ का जो गैस होता है वो देखो, ये ऐसे लगता है जैसे मॉस्किटो कॉइल होती है ना, बिल्कुल वैसे। हालांकि हीटर टाइप ही है, यहाँ पर गैस चूल्हे ऐसे ही होते हैं। आपको इंडियन स्टोर में दूसरे स्टोव्स भी मिल जाएंगे जैसे आप इंडिया में यूज़ करते हैं। अब मेरे को थोड़ा सा इसमें परेशानी तो हो रही है यूज़ करने में, बट इट्स ओके, धीरे धीरे आ जाएगा। और ये शाम और रात दोनों हो चुकी थी और मैंने फटाफट ही कर्टेंस लगाए और ये कॉफ़ी रेडी हो चुकी थी और साथ में मैं मूवी भी देख रही थी। मैं दोनों काम एक साथ कर रही थी। नेटफ्लिक्स पर देख रही थी मैं मूवी मदर, आप लोग भी देखना, बहुत अच्छी मूवी है। और ये देखो इवनिंग का नज़ारा, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा, मतलब पूरे दिन इतनी धूप रहती है, लगता ही नहीं है कि ठंड होगी। और इवनिंग होते होते देखो जैसे कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है ना। उसके बाद डोरू को मैंने बोला चलो लेट्स गो फॉर वॉकी वॉकी, उसको खाना खिलाया और फटाफट मैंने बोला चलो एक बार और फ्रेश करा के लेके आती हूँ। और डोरू निकल पड़ा है बाहर की तरफ। बाहर की आज लाइट्स ऑन नहीं थी, आई डोंट नो व्हाई, बट एक तो सब लोग अपने अपने घरों में होते हैं, जैसे इंडिया में जैसे लाइट्स वगैरह ऑन रहती है बाहर की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉन्ड्री फैसिलिटी है, यहाँ पर कपड़े वगैरह वॉश करते हैं हम अपने, ड्राई कर लेते हैं। और ये देखो डोरू को घूमी घूमी, ये अंधेरे में इतना दिखाई नहीं दे रहा बट मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक करी थी। इसको तो इतना शौक़ लगा हुआ है घूमने का कि मैं क्या ही बताऊँ, इसको इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, इसे 3-4 बार भी लेके जाओ तब भी घूमेगा। और उसके बाद इतनी पीसफुली सो जाता है आगे कि पूछो मत। और ये हमारे घर के सामने एक गैस स्टेशन है और ये रोड जाती हुई, और ये देखो इसको बहुत मज़ा आता है रोड पर गाड़ियाँ वगैरह देखने का। और मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी डोरू के साथ क्योंकि पूरे दिन यही करते हैं हम, काम काम, डोरू डोरू, मेरा बस यही काम है। और देखो डोरू भी फुल मज़े में, फुल इन्जॉय करता है, सारे पोज देता है, मेरा बेटा तो है ही पोजू मास्टर। और आप लोग हमारे ब्लॉग्स ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।